हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यंगर एज में। फ्रेंड्स, आज आने का मतलब ये था कि वो सारे स्टूडेंट्स जो है ना, एकदम क्या बताओ, एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं यार, कोई भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अब उनको कोई, जैसे पता है ना, कोई किसी ने बताया बस ये करना है, हाँ तो उसमें चले गए, हाँ चलो यहाँ कोचिंग है वहाँ चले गए, ये करना है वो करना है, बस एक दूसरे की ऐसे सुनते रहते, कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाते। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि वो खुद सोचना ही नहीं चाहते, कुछ अपना करना ही नहीं चाहते अपने मन से, बस हर चीज़ पे डिपेंडेंस, हर चीज़ पे डिपेंडेंस। कब तक डिपेंड रहोगे बताओ? कोई भी टीचर पे डिपेंड, ट्यूशन पे गए टीचर पे डिपेंड, हाँ सर करा देंगे, सर से हो जाएगा, हम सर बता देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम अपने मन से कब करेंगे, हाँ ना। फिर बस यही रहता है, बाद में कुछ नहीं, डिप्रेशन में जाओ, हो गया, पढ़ाई लिखाई बंद। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? हमारे साथ भी बहुत, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। हम पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता पढ़ना, बहुत लोग डिस्टर्ब भी करते, ऐसा भी है, आजू बाजू वाले डिस्टर्ब भी करते, कोई डीजे साउंड बजाते रहता है। पढ़े तो पढ़े कैसे, क्या करें? करियर चुनने के टाइम पे कोई क्या चुनता है, कोई किसी को क्या बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को रेलवे में जाना है, किसी को SSC में जाना है, किसी को बैंकिंग में जाना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है? सीधा कोचिंग, बस एक ही चीज़ है, कोचिंग में जाओ बस। फ्रेंड्स, कोचिंग में जाने से क्या होगा? हम खाना खाने के टाइम पे क्या कोचिंग में जाते हैं क्या? हमको साइकिल सीखना रहता है तो क्या कोचिंग में जाते हैं? हमको क्या चलना सीखना रहता है तो क्या कोचिंग में जाते हैं क्या? फ्रेंड्स, नहीं ना, अपने मन से करते हैं ना। तो फिर पढ़ाई के मामले में कोचिंग की सही बात है क्या? हर चीज़ में कोचिंग नहीं, कोचिंग सही है, सही है, लेकिन क्या है, आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है, सब यही बोलते हैं, हाँ मैं आपको क्रैक करा दूंगा 3 महीने में, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा, मेरा ज्वाइन करिए, मेरा पैकेज लीजिए। सब कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है, अपनी मेहनत के ऊपर ही सब है। हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन अपनी मेहनत तो मेहनत ही है, हम खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ से क्या होगा? कोई भी दुनिया का गुरु आ जाए, कोई भी पैकेज ले लो आप, कुछ नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त हैं ना, एकदम डिप्रेशन में जा गए, पीछे बहुत डिप्रेशन में आ गए, उन लोग कुछ नहीं कर रहे अभी, खाली पीली है सब, दिमाग पूरा कचरा हो गया है उनका, कोई उनको बताने वाला नहीं है और उन लोग सुनते भी नहीं किसी की, ऐसा है ना, उनको सब इजी लगता है, एवरीथिंग इजी ऐसा लगता है उनको, बट नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं? आप में से बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे जो अभी तक डिसाइड नहीं किए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, कुछ डिसाइड नहीं किए। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना यह है कि आप अपने अंदर जाको, आप अपने आप को पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है, फालतू किसी पे विश्वास नहीं करना। फ्रेंड्स, सब आते हैं बोलते, यूट्यूब पे पूरा क्या बताऊँ मैं, 1000 वीडियो मिल जाएंगे, कोई टॉपिक बोलेंगे ना 1000 वीडियो मिल जाएंगे, कोई अलग बताता है कोई अलग बताता है, हम लोग सब देखते रहते हैं ये वो सब, लेकिन कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होता हमें, क्यों ऐसा क्यों? फ्रेंड, मेन चीज़ यही है कि हम खुद पे ही विश्वास नहीं है, उन पे ज़्यादा विश्वास है, जो लोग बता देते हैं ना बस उन पे ज़्यादा विश्वास है, हाँ उन्होंने बता दिया ना ऐसा छूँगा करके, हम पे विश्वास नहीं है ना खुद, इसलिए हम पे इम्प्लीमेंट भी नहीं होता, कम कितना भी कुछ भी देख लेंगे यूट्यूब पे, कुछ नहीं हो सकता। फ्रेंड, ऐसा है ना कि अपनी लाइफ हमको ही बनाना है फ्रेंड्स, है ना, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, हमको सिर्फ अपनी लाइफ देखना है, बात ख़त्म। सब क्योंकि सब ऐसे कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, यूट्यूब के जितने भी हैं ना आपको पढ़ाने वाले बस ऐसे ही बता देंगे, हाँ मैंने ये वाला क्लियर किया, मैंने ये तो किया, प्रूफ तो दो भाई, प्रूफ कब दोगे,
हम आपकी क्लास यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मैं आपके साथ हूँ। हमारा एग्ज़ाम कब निकलेगा भाई? ऐसे ही चलता रहेगा क्या हमेशा? मेरे को बहुत यानी जब देखता हूँ ना मैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है फ्रेंड्स। हम जैसे लोग क्या करेंगे, जो एवरेज बच्चा क्या करेगा? बस जाएगा आएगा, कुछ नहीं देखेगा वीडियो, बस कुछ नहीं आएगा उसको। फ्रेंड्स मेरा कहना यही है बस आप लोगों से कि जितने भी आपके दोस्त हैं ना, सच में जो आपके जो दोस्त हैं ना, अच्छे वाले दोस्त ना, आप लोग सब मिलो और मिल के डिसाइड करो कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना बिल्कुल बात नहीं करते वगैरह वगैरह, इग्नोर करो उनको। आप खुद अपना अगर कोई दोस्त नहीं है ना तो अपना खुद का अपना दोस्त बना लो, खुद सोचो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? और प्लीज़ अपना हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाएंगे और आपको अच्छा प्रोत्साहित करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, ख़राब लगेगी तो डिसलाइक करना, और ख़राब क्यों लगी प्लीज़ कमेंट करना ताकि नेक्स्ट टाइम अपन वही गलती ना करें। और फ्रेंड्स अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करो, अच्छी चीज़ें पढ़ाई करो। कुछ भी सवाल होगा ना बेझिझक पूछो मुझसे, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।